अभी हमारे इधर सब पालघर जिला के नेता है, एक जगह पे नेता भी भाड़ोत्री है और कार्यकर्ता भी भाड़ो। ऐसे लोगों के टीका के ऊपर मैं कुछ, उनसे तो कंपटीशन ही नहीं है हमारी, वो कंपटीशन में भी नहीं है। ये डर के वजह से नया चेहरा डालना पड़ा इनको। इसमें पालघर में हूँ और जिस प्रकार से बहुजन विकास अघाड़ी का पूरा काफिला चल दिया है नामांकन के लिए, इसमें उपस्थित है बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर और उस प्रचार में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर उधर दोनों तरफ पीला रंग आपको नजर आएगा और लगातार काफिला कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ रहा है। बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे इस कड़कती धूप में लगातार कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं और कितनी जोश, कितनी ऊर्जा और कितना आत्मविश्वास, ये तो आप खुद देख सकते हैं। आप दिखा सकते हो क्या आगे पीछे जो लोग हैं, ये उत्साह है और मुझे एक अच्छा लग रहा है कि आज जो जमा कार्य करते हैं वो हमारे पालघर जिला के हैं। बाहर से लाए हुए चिल्लाने वाले ऐसे कोई इधर है नहीं। क्या कहीं आए हैं क्या ऐसा, कहीं आए हैं क्या ऐसा? दूसरे किसी की भी रैली देखो, नेता से कार्यकर्ता सब भाड़ोत्री है, सब भाड़ोत्री। क्या कहेंगे जिस तरीके से वो कल आदित्य ठाकरे आए थे, उन्होंने बयान दिया कि आपका कोई भरोसा नहीं, कि जिस सरकार की तरफ जाते हैं उस तरफ चले जाते हैं, इस तरह कमेंट उन्होंने पास किया। 30 साल जिनके साथ शादी रचाई थी, आज अचानक से टूट गए। कल ही किसी मीटिंग में अपने डेप्यूटी सीएम फडणवीस जी ने कहा कि जब शिंदे साहब इनसे निकल गए तो उनको फोन किया था उद्धव जी ने कि हम वापस साथ आ रहे हैं, तो ये कल किधर रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और ऐसे लोगों के टीका के ऊपर मैं कुछ, उनसे तो कंपटीशन ही नहीं है हमारी, वो कंपटीशन में भी नहीं है, पूरी लड़ाई में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है लड़ाई में। अच्छा, जिस तरीके से अब महायुति के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं हेमंत सावरा और इधर राजेंद्र गावित नाराज हो चुके हैं, तो इस उम्मीदवार को लेकर क्या कहेंगे जिस तरह घोषणा? हमारे राजेश पाटिल जब डिक्लेयर हुए उसी वक्त इनका सर्वे हुआ और ये कुछ चलने वाले नहीं तो कुछ नया चेहरा डालने का देखते, डर की वजह से नया चेहरा डाल दिया। सवाल ही नहीं उठता कि डर के वजह से नया चेहरा डालना पड़ा इनको। उनके पास अब केंद्र के सरकार, केंद्र के नेता आएंगे, राज्य मंत्री आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे, स्टार प्रचारक बाहर से आएंगे और यहाँ प्रचार करेंगे, क्या कुछ शिस्तबद्ध पद्धति नहीं रहा? अभी हमारे इधर सब पालघर जिला के नेता है, एक जगह पे नेता भी भाड़ोत्री है और कार्यकर्ता भी भाड़ोत्री है, तो उसके ऊपर मैं क्या बोलूं? यानी यहाँ पर स्थानिक और वहाँ भाड़ोत्री, सवाल ही नहीं उठता। पैसे गिन के लाए हुए कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे नहीं है। ठाकुर यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनके तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो भाड़े से लाए, लेकिन हमारे तरफ कार्यकर्ता जमीन के हैं, लगातार काम करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि इस लड़ाई में आगे क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन फिलहाल हितेंद्र ठाकुर ने अपनी ताकत और अपनी पूरी तरह दमखम दिखाने के साथ इस नामांकन की तरफ बढ़ते वो चले जा रहे हैं।